बंधुओं, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, अष्टजाम, श्रीमद् भागवत कथा करना धर्म नहीं है। ये करने वाले दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं और चावल में कंकर मिलाते हैं। धर्म व्यक्ति का स्वभाव है। मौनी बाबा, थरेसरी बाबा, फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, निराहारी, दूधाहारी, पत्र पुष्पाहारी बन जाना भी धर्म नहीं है। धर्म स्वभाव को कहते हैं, धर्म नेचर को कहते हैं, धर्म गुण को कहते हैं। एक बहू अपने सास को गाली देती है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, फटकारती है, तुम्हारा धर्म नहीं है सास को गाली देना, यह धर्म है। अगर बेटा बाप को मारता है अथवा गाली देता है तो अगल बगल के लोग उसे डांटते हैं, बेटा तुम्हारा धर्म नहीं है पिता पर हाथ छोड़ना या गाली देना, यह धर्म है। भाभो अगर भैंसुर को गाली देती है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, तुम्हारा धर्म नहीं है भैंसुर को गाली देना। और भैंसुर भी अगर भाभो पर हाथ छोड़ता है उसको भी पंच पकड़ लेता है, आपका धर्म नहीं था भाभो पर हाथ छोड़ना। रमानंदी कबीरपंथी आर समाज, आनंद मार्गी और गायत्री परिवार, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन और जय गुरुदेव और बाल युगेश्वर बन जाना भी धर्म नहीं है। ये सारे दल है। रामानंदी एक दल है, संत मत एक दल है, आर समाज गायत्री परिवार एक दल है, ये धर्म नहीं है। इसको हम धर्म नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं, और जिससे मन वचन और आचरण पवित्र हो जाए उसे हम धर्म कहते हैं। ये धर्म की परिभाषा। बंधुओं, ये सारे दल हैं, रामानंदी हो, आर समाज हो, आनंद मार्ग हो, गायत्री परिवार हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये सारे धर्म नहीं है, ये सारे दल हैं। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, लोजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सपा बसपा, ये सारे दल हैं, वैसे ये सारे दल हैं। दल अनेक होता है लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट एक होता है। कुछ दिन पहले उसी पार्लियामेंट में माननीय मनमोहन सिंह की जी की सरकार चल रही थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, आज उसी पार्लियामेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, जो बीजेपी की सरकार है। दल अनेक, पार्लियामेंट एक, वैसे दल अनेक, रामानंदी आर समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, दल अनेक हैं, धर्म एक होता है, एक। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया है, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी धर्म का परिभाषा दिया, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छारिए, जवलो घट में प्राण। यानी दया ही धर्म का मूल है। आज जल चढ़ाने वाली महिला अपने को धार्मिक मानती, अगरबत्ती बार देना ये धर्म मानते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, कुछ गीत गा लेना, गीत गाना भी धर्म नहीं,
और ऑर्गन पैट बजाना धर्म नहीं है। ऑर्गन बजाने वाले शिखर पराग खाते हैं, जर्दा की माम खाते हैं, और पैट बजाने वाला गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं। तो ये बजाना गाना धर्म कैसे हो गया? भगत गाने वाले लोगों को मैं देखा है गांजा पीते हुए, चाय पीते हुए, सिगरेट और बीड़ी और खैनी खाते हुए। तो भगत गाना धर्म कैसे हो गया? भोला बाबा को जल चढ़ा देना धर्म कैसे हो गया? वो चढ़ाने वाला बकरी काट के खा गया। बैनाथ जगन्नाथ केदारनाथ हरिहरनाथ पशुपति नाथ जाना धर्म कैसे हो गया? ये जाने वाले दारू पीते हैं और बकरी काट के खाते हैं और मछली मंगा के खाते हैं, तो जाना धर्म कैसे हो गया? बंधुओं, दल बदल जाता है, दल बदलता है। जो कल कांग्रेस में था आज बीजेपी में है, और बीजेपी में था वो राजद में है, और राजद में था वो जदयू में है। दल बदल गया। कल जो रामानंदी था आज कबीरपंथी है, और कबीरपंथी में था वो गया संत मत में, और संत मत में था वो चला गया आर समाज में। दल बदल गया, लेकिन धर्म किसी परिस्थिति में नहीं बदलता। धर्म नहीं बदलता है किसी परिस्थिति में। आंख का धर्म है देखना, आंख का धर्म है देखना। तो आंख देखेगी, सुन नहीं सकती है, और कान का धर्म है सुनना। तो कान सुनेगा, देख नहीं सकता। नाक का धर्म है सूंघना, तो नाक सूंघेगा, सुन नहीं सकता है। और मुंह का धर्म है बोलना, तो मुंह बोलेगा, सुन नहीं सकता। और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा, बोल नहीं सकेगा। दल बदलता है। लोग कहता है फलना आदमी तो धर्म बदल लिया। धर्म कैसे बदला जाएगा? धर्म अगर बदलता तो बाप के सामने खड़े दूध का तस्मई रखा जाए, पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए, काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा रख दिया जाए, और बगल में मांस रख दिया जाए, क्या बाप तस्मई खाएगा? मर जाएगा, उपवास रख लेगा, लेकिन वो तस्मई और काजू किशमिश नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस। यदि यह कहा जाए बाघ अपने प्राकृतिक धर्म पर अनादि काल से चलते आ रहा है, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। बाघ भी धार्मिक प्राणी है, और धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जितने भी प्राणी मात्र है धरती पर, सब अपने अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे हैं। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपना धर्म छोड़ के चल रहा है। बकरी भेड़ी गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊंट गधा के सामने एक तरफ घास रखा जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, क्या प्राणी अपना धर्म छोड़ देंगे? मर जाएंगे, उपवास रख लेंगे भोजन के बिना, लेकिन कभी मांस को छू नहीं सकते हैं। जब खाएंगे तो घास खाएंगे बिना कंठी के। कभी सत्संग में नहीं गए प्राणी, हाथी घोड़ा कभी सत्संग में नहीं गया, कभी कोई मंदिर नहीं गया, लेकिन आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, और आज तक घास खा रहा है और शुद्ध शाकाहारी होके जी रहा है। लेकिन मनुष्य कंठी भी बांध लिया, रामानंदी कबीरपंथी हो गया, तब भी खैनी खा रहा है, तब भी बीड़ी पी रहा है, तब भी सिगरेट पी रहा है, तब भी गांजा पी रहा है, तब भी शिखर पराग खा रहा है, तब भी जर्दा की माम खा रहा है, और होटल में बैठ के चाय पी रहा है। इसका धर्म कहां गया? मनुष्य का धर्म कहां गया? बंधुओं, दल बनाई जाती है। कांग्रेस दल कुछ लोगों ने मिलकर बना लिया, राजद बनाया, जदयू बनाया, कांग्रेस बनाया। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है। वैसे कुछ लोगों ने मिलकर रामानंदी दल खड़ा किया, कुछ लोगों ने मिलकर आर समाज और गात्री परिवार,
दल खड़ा किया है। दल कुछ लोगों की होती है, धर्म सबके लिए होता है, धर्म कुछ लोगों के लिए नहीं होता। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है, कांग्रेस कुछ लोगों ने मिलकर दल बना लिया, राजद कुछ लोगों ने मिलकर दल बनाया, जदयू कुछ लोगों ने मिलकर दल बनाया, वैसे रामानंदी कुछ लोगों ने मिलकर एक दल खड़ा किया है, आर समाज कुछ लोगों ने मिलकर दल खड़ा किया, गायत्री परिवार खड़ा किया, दल कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया। धर्म बनाने की जरूरी नहीं, धर्म हम लोग प्रकृति प्रदत्त मां के गर्भ से लेके आए। आज धर्म के नाम पर कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, वहां धर्म हमारा नहीं है। आज भी व्यक्ति क्या वस्तु भी अपने धर्म पर चल रहा है। यह धरती अनादि काल से अपने धर्म पर चल रही है। धरती का धर्म है कठोरता, ये अपने धर्म पर चल रही है। और पानी का धर्म है शीतलता, पानी अपने धर्म पर चल रहा है। और अग्नि का धर्म है उष्णता, अग्नि अपने धर्म पर चल रहा है। और हवा का धर्म है कोमलता, हवा अपने धर्म पर है। और आकाश का धर्म है गंभीरता, आकाश भी अपने धर्म पर चल रहा है। लेकिन व्यक्ति धर्म पर नहीं चल रहा है, वस्तु धर्म पर चल रहा है, प्राणी धर्म पर नहीं चल रहा है, पदार्थ अपने धर्म पर चल रहा है। ये माइक का धर्म है, आवाज को खींच के साउंड बॉक्स और हॉर्न को देना, ये माइक अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है। और हॉर्न और बक्सा का धर्म है लोगों तक आवाज को पहुंचा देना, वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, पहुंचा रहा है आवाज। लेकिन आज मनुष्य अपने धर्म को छोड़ दिए, मनुष्य अपने धर्म पर नहीं चल रहा है। जितने भी मांसाहारी प्राणी है, उनका धर्म है, उनका नेचर है, उनका गुण है, उनका स्वभाव है, जब वो जन्म लेते हैं तो आंख बंद करके बाहर आते हैं। कुत्ता के बच्चा, बिल्ली के बच्चा, गीदड़ के बच्चा, बाघ के बच्चा, सिंह के बच्चा, ये जितने मांसाहारी हैं वो मां के गर्भ से आंख बंद करके जन्म लेते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, बकरी के बच्चा, भेड़ी के बच्चा, गाय के, भैंस के, हाथी के, घोड़ा के, ऊंट के, गधा के और आदमी के, ये प्राणी प्रकृति प्रदत्त शाकाहारी है, ये मां के गर्भ से आंख खोल के जन्म लेते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं, वो जीभ से उठा उठा के पानी पीते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, उनका धर्म है, नेचर है, वो सुरूप के पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं, उनका आंत छोटा होता है। जितने शाकाहारी प्राणी हैं, उनका आंत बड़ा होता है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं, गर्मी के दिनों में उनके बदन से पसीना नहीं चलती है। जितने शाकाहारी प्राणी हैं, उनके बदन से पसीना चलती है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं, उनकी आयु कम होती है। जितने शाकाहारी प्राणी हैं, उनकी आयु अधिक होती है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं। अभी अरुण जी बैठे हैं कबीर आश्रम गोलहा में, अररिया जिला वार्षिक सम्मेलन हुआ, उसमें मैं भी गया था। आचार्य सतगुरु धर्म स्वरूप साहब भी आए थे। मुझे एक कुर्ता सिलाना था। मैं एक आदमी से कहा, जरा चलिए रानीगंज मोटरसाइकिल से। और जब मैं गया तो दर्जी मुसलमान था, हमको देखा, वो प्रणाम किया, कहा बाबा
आप लोगों का जीवन बहुत सुंदर है, अच्छा है। मैंने कहा क्यों? आप लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, आप लोग कोई दुर्व्यसन नहीं खाते। मैं टेलर चलाता हूं, 5-5 को दर्जी रखता हूं, और इतनी परेशानी है। आप चलिए हॉस्पिटल में, अगर 10 को हिंदू कोई रोगी होगा तो कम से कम 60-70 को मुसलमान होगा। मांस मछली खाते खाते ये रवैया पहुंच चुका है कि हम लोगों का रुपया इतना हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पास जा रहा है जिसका वर्णन नहीं किया। आज मनुष्य धर्म को छोड़कर अधर्म को अपना रहा है और दुर्गति इनकी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही। धर्म मंदिर में जाके नहीं होगा बाबू, धर्म मस्जिद में नहीं होता है, धर्म गिरजा और गुरुद्वारा में नहीं होता है। धर्म स्वभाव होता है, धर्म नेचर होता है। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, गुरु की सेवा करना धर्म है, आए हुए अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म है, और दौड़ते रहना जीवन भर, कहीं जाना कहीं से आना, और कहीं मंदिर में फूल पत्ती चढ़ा देना मिठाई चढ़ा देना, ये धर्म नहीं है, ये आडंबर है, ये दिखावा है। इससे आपके जीवन में कोई सुधार, कोई परिवर्तन, कोई कल्याण होने वाला नहीं। बंधुओं, सब लोग धर्म पर आइए, सब लोग शुद्ध शाकाहारी बनिए, सब लोग शाकाहारी बनिए। इतना बड़ा कोरोना काल चला गया लेकिन शाकाहारी आदमी की मृत्यु नहीं हुई कोरोना में, सारे मांस मछली खाने वाले मर गए, शाकाहारी की मृत्यु नहीं हुई। इसलिए हमारा धर्म है, प्राकृतिक हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। गधा जब शुद्ध शाकाहारी होके जी सकता है, घोड़ा शुद्ध शाकाहारी होके, गाय शुद्ध शाकाहारी होके जी सकती है, भैंस जी सकती है, बकरी जी सकती है, तो हम तो फिर मानव है। और आज मानव मांस खा रहा है, आज मानव मछली खा रहा है, और नाना प्रकार के देवी देवता लेके पूजा करके अपने को धार्मिक बनना चाह रहा है। धर्म हमारा है शुद्ध शाकाहारी होना, पहला धर्म है। और दूसरा धर्म है दुर्व्यसन मुक्त होना। हम बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, गांजा भांग तारी दारू मांस मछली ना खाएं, यह हमारा धर्म है, यह हमारा नेचर है, यह हमारा गुण है, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारा विचार है। शुद्ध शाकाहारी होना, दुर्व्यसन मुक्त होना, और मानव से प्रेम रखना। कोई जातीयता नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अवर्ण सवर्ण नहीं, कोई नीच ऊंच नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई गोरा काला नहीं। मानव प्रेम का पात्र है और मानव से प्रेम हमारा होना चाहिए, यह हमारा धर्म। और जितने भी मानवेतर प्राणी है धरती पर, अर्थात मानव जोनी से नीचे की खानी में जीवन बसर करने वाले पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, वो दया के पात्र है, मानव प्रेम का पात्र है, और माता पिता गुरु अतिथि श्रद्धा के पात्र हैं। तो माता पिता गुरु अतिथि में हमारी श्रद्धा हो, मानव के प्रति हमारा प्रेम हो, और मानवेतर प्राणी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के प्रति हमारे दिल में दया हो, ये मेरा धर्म है। चूंकि वो अज्ञानी प्राणी है, भोग जोनी में पड़ा है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, आज मनुष्य उसको मार के खा रहा है। साहब कबीर ने कहा, मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है, पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं है। दुनिया के लोग बकरी मुर्गी मछली ये सब क्या है? अनारस बेदाना सेव संतरा बड़ा प्रेम से काट काट के खाते हो,
वो भी प्राणी है, उसमें भी प्राण आत्मा है, जीव है। पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं है, वो जीते हैं अपने श्रम पर, उनकी होती नहीं दुकाने, सागर देती उन्हें न मोती, हीरे देती उन्हें न खाने, उन्हें नहीं है आए कहीं से। आपका तो बेटा पोता नाती दामाद कलकत्ता पंजाब में कमाता है, उस भरोसा पर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इस प्राणी के कोई बेटा पोता और नाती कलकत्ता पंजाब में कमाने वाले नहीं।